हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तभी सीन ये है कि मेरा जो भृंगराज तेल है वो हो चुका है ख़त्म। और आप सबको पता ही होगा कि मैं हमेशा जो भी अपना तेल बनाती हूँ, हेयर ऑयल बनाती हूँ, वो मैं सब घर में बनाती हूँ। तो अगर ख़त्म हो चुका है तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, मार्केट से लाने का कोई झंझट नहीं है और कोई चक्कर भी नहीं है। तो मैं इस बार अपने भृंगराज तेल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसके अंदर नीम भी ऐड करने वाली हूँ। किस तरीके से करने वाली हूँ इसी का पूरा ट्यूटोरियल आपको दिखाने वाली हूँ, और इसके क्या बेनिफिट है, आपको इसको क्यों बनाना चाहिए, क्यों अप्लाई करना चाहिए, वो सारे डिटेल आपको क्लियर करके बताने वाली हूँ। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरीके के भृंगराज से रिलेटेड और स्किन केयर, हेयर केयर, स्टाइलिंग से रिलेटेड, ब्यूटी, फैशन, पता नहीं क्या क्या से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल सकते हैं। आप चाहो तो मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। आपके बालों के मैक्सिमम प्रॉब्लम इससे दूर हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बाल झड़ रहे, बाल लंबे नहीं हो रहे, बाल काले नहीं रहे, ऐसे सारे चीज़ों में भृंगराज आपको काम करता है। भृंगराज आपके डैंड्रफ में भी काम करता है। और अभी क्या है, क्योंकि अभी मॉनसून है, डैंड्रफ का सीज़न है, आने वाली सर्दी है वो भी फुल ऑन डैंड्रफ का सीज़न है, और मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हुआ रहता है। तभी मैं जो भृंगराज का तेल बनाऊंगी उसके अंदर मैं ऐसे चीज़ों को भी ऐड करूंगी जिससे कि मेरा डैंड्रफ भी थोड़ा सा कंट्रोल हो। क्योंकि तो मेरे लिए ये कंफर्टेबल होगा कि मैं ऐसे इंग्रेडिएंट को मिला लूँ जो कि इकट्ठे मेरे हेयर ग्रोथ में भी मदद करेंगे, हेयर फॉल भी कम करेंगे और मेरे डैंड्रफ को भी क्योर करेंगे। उसके लिए परफेक्ट इंग्रेडिएंट है नीम भृंगराज। तो इसको मैं इकट्ठा करके आज का जो तेल आपको रेसिपी दिखाने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहले कुछ भृंगराज तोड़ लाते हैं। इस साल मतलब मैं पहले भी कह रखा था कि मेरे सारे भृंगराज ख़राब हो गए, तो यही आपको दो चार जो भृंगराज दिख रहे हैं वो भी आज पूरा ख़त्म हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते। और ये जो एरिया है ना, ये जो लंबा पूरा जो आपको लेन दिख रहा है, ये पूरा मेरे भृंगराज से भरा हुआ भी था, उगे भी थे, पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना कि सारे मतलब ख़राब हो गए। और मैं अपना दुख मैं किसी को नहीं समझा सकती। ये जो भी आप लोग मुझे कहते हो ना कि दीदी आप कितने लकी हो, आपके पास इतने सारे रियल भृंगराज है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये सब एक दिन में या एक रात में नहीं हुए हैं। मैंने इनको सालों से जतन करके लगाया, तब जाके ये अभी अपने आप ही उग जाते। जैसे इस पोर्शन में देखो, ये इसके जो सूखे हुए बीज है, तो इस तरीके से जो भी इसके बीज होते हैं मैं इसी जगह में इसको फेंक देती हूँ। अगर आपको कहीं से बीज मिले तो आप बीज ला के इस तरीके से गीले मिट्टी में इस तरीके से इनको ऐसे छोड़ के रख सकते हो। जिनमें भी इतने मीनो अगर मिट्टी अच्छी हुई, उनमें अगर अच्छी लाइफ के पोटेंशियल हुए तो वो उग जाएंगे। तो उधर मैंने उनको डाल दिया, और मुझे मेरे घर के जो बागीचे हैं उसमें मुझे थोड़े बहुत और मुझे मिले, तो ये थोड़े ख़राब हो रहे थे तो मैंने पहले इनको ले लिए, और मैंने थोड़े से ही लिए हैं। चलो आपको दिखाती हूँ कितने लिए हैं मैंने। तो आज हमें इस तेल को बनाने के लिए नीम की पत्तियाँ भी चाहिए, और लकीली नीम की पत्तियाँ भी मैंने, इसका पेड़ भी मैंने अपने घर में ही छोटा सा लगा रखा है, तो अच्छा खासा मुझे नीम मिल जाता है, मुझे मार्केट से लाना नहीं पड़ता। तो हम ना सिमिलर क्वांटिटी में लेंगे, अगर एक कटोरा या जितना भी अमाउंट हो, आप 1:1 का प्रोपोर्शन में एक एक कटोरा आपको भृंगराज के पौधे लगेंगे, एक कटोरा आपके नीम के पत्ते के लगेंगे। तो उतना तो मैंने ले लिया जितना मुझे लगता था कि चाहिए। तो चलो अब अंदर चलते, इनके प्रोसेस में इनको काम पे लाना है, चलो वो देखते हैं। तो चलो दोस्तों अभी इसके पत्तों को निकाल लेते हैं। तो हमें ये डंटल नीम का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पत्तों को चाहिए। तो आप इस तरीके से आप मीनो, जैसे मैंने एक कटोरा का हिसाब से लिया है, तो मैं एक कटोरा तो पहले नीम का निकाल लूँगी, उतना ही मैंने लाया था, मुझे अभी अंदाज़ा इतना हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत ईजीली आप इनके पत्तों को निकाल सकते हो। निकालने के बाद हमें इनको अच्छी तरीके से धोना भी है। तो उसको दिखाने से पहले चलो पहले भृंगराज को किस तरीके से लोगे, क्योंकि आपने देखा कि भृंगराज के अंदर भी ना हमने इसके जड़ों को लिया है। आप जड़ों को आपने देखा है कितना गीला मिट्टी था, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होता है। अभी देख रहे हो हम सारे को छोटे छोटे हिस्सों में काट रहे हैं ताकि हम इसको हैंडल अच्छी तरीके से कर पाए, धो भी अच्छी तरीके से पाए। एक चीज़ मैं बता दूँ, पहले भी मैंने भृंगराज को धोने की काफ़ी सारी विधि आपको दिखाई है। बहुत आप जैसे मुझे लगता है मुझे 5 से 7 बार इसको धोना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी रहती है। वैसे देख के तो समझ नहीं आएगा, पर अगर आप पानी में डुबोगे तो मिट्टी पूरा पानी आपका मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। तो जितना हमें चाहिए उतना, मतलब जितना मैंने लेकर आया था उतना हम ले लेंगे। तो इसकी अगर पेड़ के अंदर आपको जड़ें मिले, फूल मिले, फल मिले, जो भी मिले, पत्ते मिले, इसके जो डंटल आप देख रहे हो, डंटल भी मैं ले रही हूँ, जो भी आपको मिले आप सारे ही अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो चाहे आप तेल बनाओ
या उसको आप पीस के सिर पे लगाओ, जिस भी तरीके से आप लगाना चाहते हो, बिल्कुल आप जड़ों से लेकर इसके एकदम यू नो ऊपर तक पूरा हिस्सा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये देख लो जड़ों में कितना ज़्यादा मिट्टी लगा हुआ है, ये पूरा धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी जैसे हमने ना एक एक कटोरी का, जैसे आपको बोला था कि एक एक कटोरी हम दोनों का लेंगे, दोनों को ले लिया है, तो चलिए इनको धो लेते हैं अच्छी तरीके से लगता है। तो चलो अभी तेल को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैं इसको नारियल तेल में बनाती हूँ, और तो मैंने यहाँ पर पतंजलि का नारियल तेल लिया है। आप कोई किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का नारियल तेल ले सकते हो। मैंने 100 ग्राम नारियल तेल लिया है इतने तेल बनाने के लिए, और मैंने पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दिया। मैंने अभी भी ठंडी कढ़ाई में ही पूरा चीज़ें डाली है, जिसका रीज़न मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। और फिर मैंने ना बैक कैमरा दोनों पत्तियों को धो लिया था, और मैंने पंखा चला के कुछ देर रखा था ताकि थोड़ा एक्सेस जो पानी है थोड़ा सूख जाए, पर फिर भी भीगा है। आप देख ही सकते हो थाली भी गीली है और पत्ते भी अभी गीले, पर जितना हो सका मैंने 10-12 मिनट 15 मिनट तक मैंने पंखा चला कर थोड़ा सा इसको हल्का सा सुखा लिया है ताकि थोड़ा सा पानी निकल जाए। अब दोनों पत्तियों को मैंने डाल दिया है। पास में आप गुड़हल का फूल देख सकते हो, जो कि ऑप्शनल है। हमारे घर में काफ़ी सारे गुड़हल के पौधे हैं, यानी कि हिबिस्कस प्लांट है, तो मेरे पास थे तो मैंने कुछ ले लिए, पर ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, आप बिना इसके भी बना सकते हो। तो आपने देखा मैंने एक रखा था आपको दिखाने के लिए, आपको सिर्फ ऊपर का वो जो डंठल होता है उसको निकालना है फूल का, और पीछे का जो वो हरा डंठल है उसको निकालना है, बाकी का फूल ले सकते हो। मैंने शायद 5-6 फूल ले लिए, एक्चुअली मेरी मम्मी ने पूजा के लिए निकाला था और मैंने चोरी छुपे उसको चुरा कर लेके आई हूँ, और अभी तक उनको इस बारे में कोई पता नहीं है। तो चलो सारा चीज़ मैंने सेट कर दिया है कढ़ाई में, तो चलो अब इसको गैस में बैठा देते। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है आग को, और हमें अभी कढ़ाई को इस तरीके से बैठा देना है। आप चाहो तो हिला सकते हो इसको, और इसको हिलाते ही रहना होगा वरना नीचे से जल जाएगा। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्यों ठंडी कढ़ाई में लिया है, क्योंकि अगर आप गरम तेल को गरम करने के बाद पत्ते छोड़ोगे तो जो पत्ते आप पहले छोड़ोगे वो पहले जल जाएंगे, क्योंकि तेल गरम होंगे। जो पत्ते आप बाद में छोड़ोगे वो थोड़े कच्चे रह जाएंगे, तो इस तरीके से कुछ पत्ते पहले ही जल जाएंगे। मैं ठंडे तेल के अंदर सारे चीज़ें देख के इसलिए बैठाती हूँ ताकि तेल और ये सारी चीज़ें इकट्ठे गर्म हो, इकट्ठे इसके सारे जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो निकल के आ सके। तो कोई भी चीज़ आप देखोगे आखिर तक कि पहले जलेगी नहीं, सारे के सारे इकट्ठे ख़त्म होंगे, इकट्ठे उनका काम निकल के आएगा। तो ऐसे आप रखोगे तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि सबसे पहले तो गुड़हल का जो फूल होता है वो सबसे पहले बिल्कुल यू नो मुरझा जाते, एकदम सॉफ्ट हो जाते, मुरझा नहीं जाते मतलब उनके जो एक्सट्रैक्ट्स है वो तेल में मिल जाते। तो गाइस इस तेल को बनाने के लिए ना आपको थोड़े से 20-25 मिनट का वक्त लगता है, क्योंकि जो गुड़हल का फूल है और जो नीम की पत्तियाँ हैं ये तो यू नो ईजिली तेल में मिल जाते हैं, इसका जो रस है। पर जो भृंगराज का पौधा होता है ना गाइस, इसके अंदर काफ़ी रस होता है। अगर आपने कभी रियल भृंगराज यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा रस होता है, और इसको निकलने में ना काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। तो सबसे ज़्यादा वक्त भृंगराज के अंदर से ही वो रस निकलने में लगता है। आप देख रहे हो ये जो एक यू नो एक बॉयल हो रहा है, ये जो एक बुदबुद सा निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। तो जब तक ये निकल रहा है तब तक आपको समझना होगा कि इस यू नो पूरे चीज़ों के अंदर पानी है। अगर ये बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल ये तो बुदबुद होना बंद हो जाएगा, तब जाके आप समझोगे कि पानी अभी यू नो कम होता जा रहा है। जब जैसे कि आप अभी देखो पत्ते भी थोड़ा कम हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं, और जो बुदबुद हो रहा है ये भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी कि ये जो यू नो जो ये इसको क्या कहते हैं जो बॉयलिंग का जो प्रोसेस है, आप देख रहे हो अभी थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगा है तेल का, और जब तक ये चलेगा बुदबुद का सिस्टम तब तक मैं क्या मैं बेवकूफ़ों की तरफ बात करूँ, बुदबुद पता नहीं क्यों हम बंगाली में इस बात का यूज़ करते हैं, तो मुझे हिंदी का वो शब्द पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो जब तक ये चलेगा तब तक आपको यू नो धीमी आंच पे, और आपको ना सामने ही इसको खड़े रहकर करना है वरना नीचे से जल जाता है। अभी आप देख रहे हो काफ़ी हद तक कम हो चुका है जो कि उबलने का सिस्टम है, पर फिर भी अभी तक है। क्यों है? क्योंकि भृंगराज के अंदर अभी भी इसके जो डंठल है इसके अंदर अभी भी रस है। जब तक तेल के अंदर पानी का एक भी बूंद रहेगा ये इस तरीके से यू नो बॉयल होता रहेगा। तो जब तक ये पूरी तरीके से बनने जाता तब तक हमें इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। थोड़ा टाइम और बीत चुका है, अभी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसका जो तेल है इतने ज़्यादा उबल नहीं रहे, मतलब इसके अंदर जो भी इसके रस वगैरह थे वो तेल के अंदर समा चुके, और रंग भी आपका आप इसका देख सकते हो बहुत ज़्यादा
काला और घना हो चुका है, ये आगे जब ठंडा होगा तो और भी ज़्यादा घना हो जाएगा। तो अभी देख रहे हो बिल्कुल भी ये वो बुदबुद का जो है वो अभी नहीं हो रहा है। तो जब तक ऐसा सिचुएशन ना आ जाए तब तक आपको इससे यू नो बॉइलिंग प्रोसेस को करते जाना है। अभी आप तेल का कलर देखो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो अभी क्या है, ये तेल बिल्कुल बन के प्रिपेयर हो चुका है और अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने तक वेट करना है। जब ठंडा हो जाएगा तब जाके हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। गाइज अभी तेल पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है तो मैं इसी तरीके से कपड़े के माध्यम से इस तेल को इस तरीके से छान लेती हूँ। आप छलनी के मदद से भी कर सकते हो पर ये सब कपड़े मेरे तेल के लिए ही है तो मैं इन्हीं को बार बार वॉश करके रखती हूँ, इन्हीं से इन्हें इस्तेमाल करती हूँ। तो पहले मैंने सारा तेल को ले लिया और आप देख सकते हो मुझे बिल्कुल एक कटोरी भर के मुझे तेल मिला है और इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। हाथों को अच्छी तरीके से धो लेना, साफ़ कर लेना, साफ़ सुथरी हाथों से ही करना वरना तेल के अंदर भी बैक्टीरिया रह जाएगा। ये तेल आप आगे जाके 6-7 महीने या साल भर रखने वाले हो तो बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से कांच के वर्तमान में ही रखना वरना तेल इतने टाइम तक अच्छे नहीं रहते। और क्योंकि हम इसके अंदर किसी भी तरीके की प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे, हालांकि हम कुछ ऐड करने वाले हैं अभी भी, तो फिर जो पत्ते थे ना उसको भी मैंने इस तरीके से निचोड़ा तो मुझे 2-4 चम्मच तेल तो मिल ही गए। तो फेंकना की हुए इतनी मेहनत से चीज़ों को बनाया और ये हमारा तेल बन के कम्प्लीट हो। तो दोस्तों ये तो आपका नीम भृंगराज तेल बन के तैयार हो चुका है। तो अब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे, बिल्कुल जिस तरीके से आप तेल अप्लाई करते हो ओवरनाइट के लिए उस तरीके से आप इसको अप्लाई करके रख सकते हो। ये कितने दिन रहेगा आपके पास, ये 6 महीने से लेकर 1 साल भी रह सकता है। अब इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है पर प्रिजर्वेटिव के बिना तो नहीं रह सकता, तो हम डालेंगे नेचुरल प्रिजर्वेटिव यानी कि सूरज की रोशनी। तो अभी अभी आज के दिन मैंने इस तेल को बनाया है, आज से लेके 7 से 10 दिनों तक मैं इसको रोज़ाना 3 से 4 घंटे या यू नो 4 से 5 घंटे का मैं धूप दूंगी। अभी क्योंकि बारिश का मौसम है तो मुझे उतनी धूप नहीं मिलेगी तो मैं थोड़ा टाइम को बढ़ा दूंगी। तो इस तरीके से धूप देने के बाद ये आपका पूरा यू नो साल या कम से कम 6 महीने तो बहुत अच्छी, तो 6 महीने से लेके 1 साल तो ये आपको बिना किसी टेंशन से बहुत अच्छी तरीके से रह जाएगा। बस आप इसको बीच बीच में यू नो महीने में अगर आपने 2 बार भी धूप दिखा दिया तो बहुत अच्छी बात हो। तो गाइज ये था पूरा रेसिपी, आपने देख लिया, इसको आप बीच बीच में धूप दिखाते रहना, अगर हो सके तो कांच की क्या कहते हैं उसको बर्ताने में या मर्तमान क्या जो भी कहते हैं कांच की बोल में हो सके तो उसको स्टोर करना तो उसमें धूप अच्छी खासी रह सकती है। चलिए गाइज आज के एपिसोड यहीं खत्म कर दे, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। आज के एपिसोड आपको कैसा लगा उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो जो भी आपके मन में हो। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा, मैं ऐसे किसी को फोर्स नहीं करती और ना ही तो मैं ऐसे क्रिटिसिज्म को ऐसे धकेलती हूँ कि नहीं मुझे कुछ मत बोलो। आपको नहीं पसंद आया, आपको पसंद आया, आप सब लिख सकते हो, पर कुछ तो आए हो तो कुछ तो लिख के ही जाओ, अच्छा लगता है मुझे पढ़ना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, टेक केयर एंड बाय बाय।